हाय सैंडी, ये तो अच्छी नाव है। हाँ है ना, जानते हो इसमें 100 सिक्के लगे हैं। वाओ सैंडी, मैं ये नाव क्राफ्ट टीचर को दिखाने वाला हूँ। उन्होंने कहा था कि एक बोट बनाना, याद है? हाँ याद है मुझे। तो तुमने कोई नाव बनाई है या नहीं? हाँ। ओ वाकई? तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुमने तो कागज की ही नाव बनाई होगी ना। तो ये कि अगर टीचर ने तुम्हारी और मेरी नाव से कंपेयर किया तो मेरी नाव सिक्कों से बनी है, किसी राजकुमार की नाव लगती है, जबकि तुम्हारी नाव किसी भिखारी की नाव लगती है। तुम्हारी नाव सचमुच सुंदर है, लेकिन तुम्हें मेरी नाव का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा, लेकिन क्यों नहीं? आखिर तुम्हारी बोट में ऐसा क्या खास है? रुको, मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ आओ, खुद ही देख लो। चल सकती है, ये नदी में भी चल सकती है, लेकिन तुम्हारी नाव तो पानी में डूब जाएगी और कीचड़ में धस जाएगी। मुझे अपनी नाव जरा भी पसंद नहीं, ये तो पानी में चलती ही नहीं है। वायु। हे सैंडी, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? वाओ, ये नाव तो बहुत सुंदर है। नहीं, ये नाव किसी काम की नहीं है, ये पानी में चल भी नहीं सकती, पीठ की तरह। अच्छा, तो तुम्हारी हालत भी उस मोर जैसी है सैंडी। किस मोर जैसी? वही मोर जिसने सारस की बेइज्जती की। सारस की? हाँ क्रैनी, सारस की। ओ वायु, प्लीज मुझे वो कहानी सुनाओ ना। अच्छा, मैं सुनाता हूँ। एक दिन hey! तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? डांस? नहीं, मुझे अभी एक जरूरी काम है। अरे बहाने क्यों बना रही हो तुम? जानता हूँ तुम डांस नहीं कर सकती, तुम तो एक मामूली चिड़िया हो। अरे तुम मेरे साथ डांस करोगी? ओ नहीं। कैसे करोगी, डांस करना आता ही नहीं, तुम तो एक मामूली चिड़िया हो। पीकॉक, क्या हाल है? आओ, मैं तो ठीक हूँ। लग रहा है कि आज बारिश होने वाली है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? डांस? नहीं, अभी नहीं, मुझे कहीं जाना है। अरे बहाने क्यों बना रही हो तुम? जानता हूँ तुम डांस नहीं कर सकते, तुम तो एक मामूली चिड़िया हो। ये तुम क्या कह रहे हो? यही कि तुम एक मामूली चिड़िया हो, है ना? तुम्हारे पंख में कोई रंग नहीं है मेरी तरह। मुझे देखो ना, मैं तो राजा की तरह सजा धजा हूँ, खूबसूरत सुनहरे और बैंगनी रंगों के अलावा रेनबो के सारे रंग है मेरे पंख पर। और अपने आप को देखो। माना कि तुम्हारे पंख बहुत सुंदर है, पर इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सुनो, मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है, क्या है तुम्हारे पास? मैं आसमान में काफी ऊंचा उड़ सकता हूँ, मेरी आवाज चांद सितारे भी सुन सकते हैं, और तुम तो जमीन पर किसी मुर्गी की तरह मंडरा रहे हो। पंख सुंदर होने से कोई अच्छा परिंदा नहीं बन जाता है। बाय बाय।
समझ गए? कभी किसी को अपनी तारीफ या दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एक खूबी की वजह से ही कोई सबसे सुंदर नहीं बन जाता। वाह, आज तो कमाल की कहानी सुनाई वायु। मैंने भी एक सबक सीख लिया है। मैंने पीठ का मजाक उड़ाकर गलती की थी। आई एम सॉरी वायु। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो सैंडी। याद रहे, ऊपर वाले ने हम सबको बहुत नायाब बनाया है। उसने हम सबके अंदर एक विशेष गुण प्रदान किया है। कभी किसी के साथ भेदभाव मत करना, मजाक मत उड़ाना। मैं अब हमेशा याद रखूंगा वायु। थैंक यू वायु। ये बात कभी मत भूलना सैंडी। अब मैं तुम लोगों से दूर जा रहा हूँ। जल्दी ही फिर मिलेंगे। बाय बाय वायु। बाय बाय सैंडी।